अस्टॉनिंग व्यूअर उजैर बिन जाज फ्रॉम बिरिनियर प्रॉपर्टीज़, आज दोबारा आपके साथ आयुवा ग्रीन की एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जैसा को एक बड़ी गुड न्यूज़ दी थी, जो कि गेट की हमने आपको अप्रूवल दी थी, जो कि गेट अप्रूव्ड हो चुका है DHA से। तो जिसके बाद हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया वीडियो में, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि ये जो गेट है ये किस जगह पर DHA बना रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है और जो इसका काम है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए फिर हमने कहा आज हम आपके सामने दोबारा एक वीडियो लेके आते हैं, जिसमें हम आपको इसकी कोई डिटेल भी बताएंगे और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे इस समय जो घर बन रहे हैं उनकी जो तादाद है वो कितनी है और आने वाले दिनों में यहाँ कितने घर बनेंगे और जो इसकी अभी स्पीड चल रही है उसके मुताबिक जो नेक्स्ट पोजीशन आने वाला है वो कब आना है। तो ये सारी बातें आज हम आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गेट अप्रूवल की बात हुई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सबसे पहले हमने न्यूज़ दी थी गेट अप्रूवल की, कि यहाँ जो DHA ने गेट अप उसका अप्रूव कर दिया है और जो गेट है वो जो गेट इंस्टॉल होना है वो होना है Z1 की मेन एंट्रेंस पे, जो कि अगर आप देखें अगर हम एंटर हों Z6 और Z1 के बिटवीन, तो Z1 में आप देखेंगे कि जो फेंसिंग हुई हुई है, फेंसिंग के साथ जो 150 फीट रोड है जो कि जाके सामने राउंड अबाउट को टच होती है Z1 के, वहाँ से इन्होंने एंट्रेंस देनी है, क्योंकि एंट्रेंस हमेशा वहाँ दी जाती है जहाँ पे रोड बड़ी हो। तो 150 फीट रोड जो है वो इनको Z1 से कनेक्टेड है और जो गेट है अप्रूवल वो Z1 से इनको इन्होंने अप्रूव करवा ली है और आने वाले दिनों में बस बहुत जल्दी इसका जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है और विद इन फ्यू मंथ्स आपको यहाँ पे जो गेट है वो मिलेगा और गेट के बाद इसकी खूबसूरती में तो इजाफा होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा जो आप देखें कि दूसरे फेजेस से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये फेज़ अभी तक रशी नहीं है, वरना अगर आप फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 5 तक भी जाएं तो आप देखेंगे वहाँ इस टाइम ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा रशी हो गया हुआ है वो। तो ये आपको एक जो लोग थोड़ा सा रश से बचना चाहते हैं, थोड़ा सा साइड पर रहना चाहते हैं और जो अप्रोच आते हैं, आप देखेंगे इसकी अप्रोच रिंग रोड से 2-साइड अप्रोच है। अगर हम इसको अब्दुल्ला गोली इंटरचेंज से आते हैं तो बरकी रोड की हमें अप्रोच है, जो बरकी रोड आपको पता है कि सारा ऑलमोस्ट जो सारा डबल हो चुका है। ये एक बड़ी बेस्ट और गुड न्यूज़ ये भी है कि बरकी रोड सारा आपको डबल मिलेगा अगर आप टूवर्ड्स BRB से आ रहे हैं या अगर आप टूवर्ड्स अब्दुल्ला गोली इंटरचेंज से आ रहे हैं, जो कि पैरागॉन सिटी वाली रोड भी कहलाती है, वहाँ से हैं तो आपको रोड सारा डबल मिलता है। तो इसके दूसरी अप्रोच जो है वो आप देख सकते हैं वो फेज़ 6 वाली अप्रोच है, जो कि नवाज शरीफ इंटरचेंज है। नवाज शरीफ इंटरचेंज वाले इंटरचेंज से अगर आप आते हैं तो वो बिल्कुल हार्डली आपको 5 किलोमीटर्स के बाद आपको आयुवा ग्रीन मिलता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रोड है विदाउट एनी सिग्नल, आपको वहाँ पे सीधा आयुवा ग्रीन मिल जाती है। तो अप्रोचेज़ अगर देखें तो बहुत अच्छी अप्रोचेज़ हैं, रशी नहीं है, गेट टकने के बाद ये प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी हो जाएगी, जो कि एक बड़ा अच्छा साइन है, गुड साइन है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर घर बना रहे हैं और जो यहाँ रहेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि आप देखेंगे ट्रैफिक का जो आजकल लाहौर में अगर हम देखें तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो ट्रैफिक से हर जो जितने भी क्लाइंट्स जो घर में जो चाहते हैं घर बनाना, वो ये इससे बचते हैं कि यार ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, हमें सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए हमें ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले। तो ये एक बेस्ट जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उसी ने आना है आयुवा ग्रीन में जिसका यहाँ पे घर है, क्योंकि यहाँ पे अंदर ही आपको कमर्शियल, अंदर ही आपको स्कूल, अंदर ही आपको हॉस्पिटल, सारी चीज़ें आपको वन इन ऑल इसमें सोसाइटी में मिल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे आयुवा ग्रीन में सिर्फ आपको वही लोग नज़र आएंगे जो यहाँ पे लिविंग कर रहे होंगे या वो जो यहाँ पे आपको विजिट करते नज़र आएंगे, क्योंकि आयुवा ग्रीन एक बड़ा अच्छा इन्होंने ग्रीन टच दिया हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा है बड़ा ग्रीनिश टच दे रहे हैं इसको, जहाँ पोजीशन आ चुका है वहाँ पर बड़े प्लांट्स लग चुके हैं। तो गेट के बाद इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे फेज़ की तरफ, जो कि जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे घर कितने बन चुके हैं। तो जहाँ पे घर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में कि जो घर हैं वो बड़े तेज़ी से बन रहे हैं। आप देखेंगे पोजीशन आने के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इस पोजीशन आने के बाद आप देखें कि वहाँ पर तकरीबन अराउंड 14 to 15 जो घर हैं वो कंस्ट्रक्शन की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बड़ा बेस्ट साइन है एक उन लोगों के लिए जो लोग कहते थे कि आयुवा ग्रीन में घर नहीं बनेंगे, ये थोड़ा दूर है, तो उनके लिए ये आप देखें कि जो लोग जिनके पास प्लॉट्स हैं वो घर बना रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि अब जो मैं अभी लास्ट भी DHA ऑफिस गया था तो वहाँ पे मुझे मेरी मुलाकात क्लाइंट से हुई है, जो कि अपना Z1 में एक उनके दो प्लॉट्स हैं किनारे किनारे के, पेयर प्लॉट्स हैं, जो कि वो अपने कह रहे थे कि मैं भी यहाँ पे घर बनाना चाह रहा हूँ। तो देखें वहाँ पे पेयर भी बनना स्टार्ट हो रहा है, तो एक बड़ा बेस्ट टाइम है उनके लिए जो भी वेट कर रहे थे कि यार हम घर बनाकर स्टार्ट करते हैं। DHA उनको बड़ा अच्छा इंसेंटिव दे रहा है जो फर्स्ट 100 हाउसेज के लिए जा रहे हैं, तो एक बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जो आप
पहले घर बनाएं और यहाँ पे लिविंग रखें, क्योंकि एक DHA का टैग है, DHA टैग कभी भी अपना लूज नहीं करता, अच्छी कम्युनिटी देता है, DHA अच्छी लिविंग देता है, अच्छे पार्क देता है। जैसे यहाँ पे आपको थोड़े से और घर नजर आएंगे तो ये पार्क जो है आपको जेड 6 वाले भी स्टार्ट हो जाएगा, मॉस्क स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, तो एक बड़ा अच्छा टच है जो कि DHA आपको DHA सिर्फ आपको DHA दे सकता है ये टच। तो व्यूवर तो आप सब जानते हैं जैसे कि अभी जो जेड 6 और जेड 1 पोजिशन आ चुका है, इसके बाद जो नेक्स्ट फोकस है इनका वो है जेड 3 जेड 4 और जेड 5। आप देखें कि जेड 3 जेड 4 जेड 5 में भी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, इन फ्यूचर आपको वहाँ पे प्रदर्शन नज़र आएगा। और क्योंकि जहाँ पे रेट्स काफ़ी हाई जा चुके हैं और रेट्स हाई जाने का मकसद और मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो है वो अनकरीब प्रदर्शन आ रहा है, प्रदर्शन के अराउंड रेट्स बहुत हाई चले जाते हैं और प्रदर्शन के बाद आप देख सकते हैं जिस तरह जेड 6 के आपके सामने हैं, जेड 6 में रेट काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, जो कि अगर हम फिर भी मैं आपको हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि कंपैरिजन अगर हम किसी भी फेस से करें तो आईवे ग्रीन इज़ द बेस्ट, क्योंकि अभी भी कंपैरिजन के अगर मामले में जाते हैं तो आईवे ग्रीन में रेट्स जो हैं वो बड़े अच्छे रेट्स हैं, बड़े कम रेट्स हैं दूसरे फेजेस के मुताबिक। जहाँ पे आपको प्लॉट 2.5-2.5 करोड़ में आपको अच्छा प्लॉट नहीं मिलता, आईवे ग्रीन आपको वहाँ पर अच्छा प्लॉट देता है 2.5-2.5 करोड़ रुपये में, 2.5 करोड़ में यहाँ आपको टॉप ऑफ द लाइन प्लॉट मिल जाता है, जो कि इससे बड़ी आपको अच्छी कोई न्यूज़ नहीं हो सकती कि आप देखें कि आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, वो भी DHA की फिर 8 सेक्टर में। तो इसके बाद अगर हम आते हैं इसके आप रेट्स की जाने, तो रेट्स आपको लास्ट वीडियो मैंने सारे रेट बताए हुए हैं कि रेट्स में भी कोई ज़्यादा जो करेक्शन नहीं आई, क्योंकि रेट्स अभी रमज़ान है, रेट्स अभी वही चल रहे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनके रेट्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 मरला की कम्युनिटी से लेकर कनाल तक की कम्युनिटी में आप देखें, 2 कनाल तक की कम्युनिटी में देखें कि मिनिमम रोड जो आपको मिल रहा है 35 फीट रोड है, 35 फीट रोड जो है बड़ा अच्छा रोड है, 5 मरला के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त रोड है। देखें आप बाकी दूसरे फेजेस में, अगर आप पुराने फेज में जाएँ तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 25 से 30 फुट का रोड मिलता था, जो कि एक छोटा रोड था, ये 5 मरला के लिहाज से बड़ा अच्छा रोड आपको दे रहे हैं ये। और ओवरऑल देखें तो ये प्रॉपर प्लान कम्युनिटी है, प्लान इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है। तो इसके जो आप सारे जानते हैं कि इसके लास्ट वीडियोस में भी हमने इसके बड़े बेनिफिट्स बताए हुए हैं, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हम उनको यहाँ की एक एक न्यूज़ से उनको हम लोग लेके चल रहे हैं साथ, क्योंकि आईवे ग्रीन में हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं और आप देखें कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो उनको हम लोग हर न्यू अपडेट के साथ हम उनको न्यू वीडियो दे रहे हैं। तो ये जो वीडियोस का सिलसिला है आपसे जारी रहेगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट जो भी अपडेट होती है जो नए घर बनते हैं उन घरों के साथ उन वीडियो के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक उज़ैर बिन इजाज़ फ्रॉम बिलियनेयर प्रॉपर्टीज़ को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।